नाज़रीन निदाई कश्मीर मल्टीमीडिया में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपकी मेजबान सजीदा रसूल। पहले एक नज़र खास खास सुर्खियों पर। दूर दराज इलाकों में नवजायद बच्चों में गजायत की कमी एक बड़ा चैलेंज। खत्ते गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजारने वालों को बेहतरीन सेहत की देखभाल फराहम की जाएगी, लेफ्टिनेंट गवर्नर। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के निजामुल औकात पर गौर व खोज शुरू। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुकामी इंतखाबी अहदेदारों के साथ पहली मीटिंग। अमरनाथ यात्रियों को मिलेगी हेलीकॉप्टर की सहूलियत। बोर्ड की वेबसाइट और टिकट बुकिंग के लिए ऐप तैयार। और हुकूमत आवाम पर मुस्तकिस इकदाम के साथ आगे बढ़ रही है वजीर अजम नरेंद्र मोदी। अब खबरों की तफसील के साथ शेख तजमल। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने एस के आई सी सी में जच्चा व बच्चा के सेहत पर दो रोजा कौमी कन्क्लेव का इफ्तिताह किया और कहा कि खत्ते गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजारने वाले लोगों को बेहतरीन सहूलियात फराहम की जाएगी। निदा न्यूज नेटवर्क के मुताबिक जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए बताया कि सेहत की देखभाल के शोबे में तकरीबन 7,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी के साथ एक बड़ी तब्दीली की जा रही है। आशा कारकुनों के किरदार पर रोशनी डालते हुए उनकी तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि नेशनल हेल्थ मिशन की कामयाबी की असल कलीद पूरे जम्मू कश्मीर में आशा कारकुनों का ताउन है और वो सेहत की देखभाल के निजाम की निचली सतह पर काम करने वाले हकीकी जंगजू हैं। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात की तैयारियों के सिलसिले में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने आज इलेक्शन अफसरान के साथ एक आला सतही मीटिंग मुनक्कद की, जिसमें हदबंदी कमीशन का अमल मुकम्मल होने के बाद इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लिया गया। मीटिंग के बाद मौसूफ ने जम्मू कश्मीर के तमाम 20 अजला के डिप्टी कमिश्नरों के साथ ऑनलाइन मोड पर बात की। जराए का कहना है कि नवंबर दिसंबर में असेंबली इंतखाबात के का इनकाद कदरे मुश्किल होगा, क्योंकि नजरसानी में 3.5 से 4 माह का वक्त लग सकता है। मजीद यह कि उन्होंने निशानदेही की कि जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता 3 सालों से इंतखाबी फहरिस्तों की नजरसानी नहीं हुई है। अमरनाथ यात्रियों को हेलीकॉप्टर की सहूलत फराहम करने की तैयारियां जारी हैं। आम हेलीकॉप्टर के साथ साथ MI-17 हेलीकॉप्टर भी फराहम किया जा सकता है। बोर्ड की वेबसाइट और ऐप भी ऑनलाइन टिकट बुकिंग के लिए तैयार है। हेलीकॉप्टर की सहूलत के लिए टिकट की बुकिंग अगले 10 दिनों में शुरू हो सकती है। करंट न्यूज ऑफ इंडिया के मुताबिक इस बार पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों पर अमरनाथ यात्रियों को फिजाई सहूलियात फराहम करने की तैयारियां की जा रही हैं। इसके लिए आम हेलीकॉप्टर के साथ साथ MI-17 हेलीकॉप्टर भी फराहम किया जा सकता है। इसका फायदा यह होगा कि 20 से 22 मुसाफिर एक साथ गुफा के करीब पहुंच सकते हैं। तहम अभी तक वजारत शहरी हवाबाजी की जानिब से इस हवाले से कोई बाज़ाबता बयान सामने नहीं आया है। इधर जम्मू कश्मीर पुलिस का कहना है कि सालाना अमरनाथ यात्रा के दौरान श्रीनगर जम्मू शाहरा पर यात्रियों की मदद के लिए रेस्क्यू टीमें तैनात की जाएंगी। पुलिस के एक तर्जमान ने बताया कि श्रीनगर जम्मू शाहरा पर चूंकि चट्टाने खिसकने का खतरा लाक रहता है, जिसके पेश नजर पुरखतर रास्तों पर रेस्क्यू टीमें तैनात करने का फैसला लिया गया है। उन्होंने बताया कि SSP रामबन मोहिता शर्मा की सदारत में मुनक्कदा आला सतही मीटिंग के दौरान फैसला लिया गया कि श्रीनगर जम्मू शाहरा पर स्लाइड जोनों में जम्मू कश्मीर पुलिस की खसूसी टीमें तैनात की जाएंगी। वजीर अजम नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि 21वीं सदी का हिंदुस्तान अवाम पर मबनी तर्ज हुक्मरानी के नुक्ते नजर के साथ आगे बढ़ा है और यह हमारी अव्वलीन तरजीह है कि हम खुद लोगों तक पहुंचे और हर एक अहल शख्स को मुकम्मल फायदा पहुंचाए। वजारत खजाना और कॉरपोरेट उमूर की तरफ से यहाँ आजादी के अमृत महोत्सव के तहत मुनक्कदा एक हफ्ता तवील खसूसी प्रोग्राम का इफ्तिताह करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुल्क ने माजी में हुकूमत पर मुर्तकिस हुक्मरानी का खमियाजा उठाया है, लेकिन आज 21वीं सदी का हिंदुस्तान अवाम पर मुर्तकिस तर्ज हुक्मरानी के साथ आगे बढ़ रहा है। फिक्शन राइटर्स गिल्ड की जानिब से शहनशाह पैलेस होटल श्रीनगर में एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिस दौरान 8 किताबों की रस्म में रोनमाई अंजाम दी गई। इस मौके पर हसन साहू की तस्नीफ करदा किताब बीते दिनों का कर्ब की भी रस्म रोनमाई अंजाम दी गई। जिला पुलवामा में यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स की जानिब से जिस्मानी तौर माजूर खिलाड़ियों के लिए 2 रोजा क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज हुआ, जिसमें पुलवामा के अलावा श्रीनगर, शुपया, अनंतनाग और कुलगाम की 8 टीमें शिरकत कर रही हैं। हमारे नुमाइंदे तनहा इयाज के मुताबिक स्पोर्ट्स स्टेडियम पुलवामा में यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स पुलवामा के जेर एहतमाम जिस्मानी तौर नाखेज खिलाड़ियों के लिए क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज हुआ, जिसका इफ्तिताह डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर पुलवामा मुख्तार अहमद ने जिला स्पोर्ट्स ऑफिसर नूरुल हक की मौजूदगी में किया। इस मौके पर अवार्ड याफ्ता जावेद अहमद टाक, हैंडीकैप्ड एसोसिएशन पुलवामा के सदर गुलाम हसन पंडित, जावेद अहमद पारीगाम और कामरान खुर्शीद के अलावा दीगर अफराद भी मौजूद थे।
ना बशीरनाथ चौधरी साहब ने इनको ये मौका दिया, इससे आज पता चलेगा कि हमारे में भी बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड अफराद हैं जो मुल्की क्या बैन अक्वामी सतह पे खेल सकते हैं। हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डीसी साहब और स्पोर्ट्स अफसर डिस्ट्रिक्ट पुलवामा और सोशल वेलफेयर अफसर डिस्ट्रिक्ट पुलवामा का दाहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जिसने स्पेशली डिसेबल्ड पीपल की पर्सन्स के लिए ये मैच ये टूर्नामेंट मुनक्कद किया है। आज टाउन हॉल कुफारा में नेशनल यूथ पार्टी के कारकुनों की एक मीटिंग कौमी सदर राज कुमार सिंह की सदारत में मुनक्कद हुई। मीटिंग में इलेक्शन की तैयारियों और पार्टी की मजबूती के लिए मुस्तकबल के लाहे अमल के अलावा बहुत से मसाइल पर बातचीत हुई। पूरे जम्मू कश्मीर राज्य के अंदर एक युवाओं से जो है बातचीत का संवाद का कार्यक्रम चला रहे हैं, उसी कार्यक्रम के तहत नेशनल टीम कश्मीर में आई हुई है और सारे विधानसभाओं के अंदर अभी जिला वाइज उसके बाद हम ब्लॉक वाइज यूथ से संवाद का कार्यक्रम चला रहे हैं क्योंकि कश्मीर के अंदर जो नौजवानों की बेरोजगारी का विषय। नाज़रीन निदाए कश्मीर मल्टीमीडिया से खबरों का बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है। अपने मेजबान शेख तजम्मुल और सजीदा रसूल को दीजिए कल तक के लिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।